नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। राजस्थान के मेवाड़ के राणा कुल में जन्मे महामानव महाराणा प्रताप, जिनके शौर्य की गाथाओं से भारत का स्वर्णिम इतिहास अटा हुआ है। आज भी उनके अदम्य साहस को भारतवासी भूले नहीं हैं। यही कारण है कि आज उनकी जयंती पर पूरे देश भर में अलग अलग और अनोखे तरीके से, ऐसे में जबकि कोरोना का वायरस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भी भारतवासी उनका जन्मोत्सव मनाने में पीछे नहीं रहे। इस पूरे मामले को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा मानवेंद्र सिंह। सबसे पहले स्वागत है राजा साहब आपका। धन्यवाद प्रकाश सिंह जी। राजा साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो आप देख रहे हैं किस तरीके का कोरोना काल है, और उसके बावजूद महाराणा जयंती मनाना तो किस तरह से मैनेज हो पाया, क्या सब रखा आप? एक तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारी ऑनलाइन एक वार्ता हुई थी सारे देश में, जितने भी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सभी पदाधिकारी हैं और उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबों से ऑनलाइन बात हुई थी। और ये एक तय किया गया था कि कोरोना के चलते हुए भी पूरे उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी, आनी चाहिए, और हम बहुत ज़ोर शोर से हर ज़िले में, देश के हर ज़िले में महाराणा प्रताप की जयंती को हम सेलिब्रेट करेंगे, उसको मनाएंगे और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने देशवासियों के लिए पूरे विश्व भर में एक ऐसी कीर्ति स्थापित की कि लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। आज क्षत्रिय समाज क्या उनके उनके अनुसरण कर रहा है? उनकी क्षत्रिय समाज को अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि मैं एक दृष्टांत आपको बहुत सुंदर उनका सुनाता हूँ कि एक कहते हैं कि हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो सब लोग जानते हैं और काफ़ी प्रचलित है, उसको हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो वहाँ के हमारे भील लोग थे वो उनको अपना परिवार का व्यक्ति मानते थे। क्योंकि एक कहानी है, जो बप्पा रावल इनके बुज़ुर्ग थे, वो एक बार जंगल में शयन कर रहे थे तो उनके सिर पर कई मुक्का नाग शेषैया कर रहा था, तो वहाँ से भील राजा गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जिसके, ऐसा कहते हैं शास्त्रोक्त है कि जिसके शेषनाग जिसके सिर पर शैया करता है वो एक महान व्यक्ति होता है, राजा होता है। तो उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उससे भील इनका बप्पा रावल जी का विवाह किया। तो बप्पा रावल के विवाह होने के बाद इस परिवार को भील लोग अपना पारिवारिक लोग मानते थे और इनको भी अपने पुत्र के समान, भाई के समान माना करते थे महाराणा प्रताप को। तो हल्दी घाटी घारने के बाद जंगलों में चले गए, वहाँ भी इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर को रखा, गोरिल्ला युद्ध लड़ते रहे और कई जखीरे जो अकबर बादशाह के वहाँ से जाते थे उनको लूटा, उनको मारा, उनको भगाया, ये कार्य चलता रहता था। तो वहाँ इन्हीं के राज्य में जब भामाशाह थे वहाँ के बड़े धनाढ्य व्यक्ति जो वैश्य थे, तो उन्होंने जब देखा कि महाराणा बड़े दुख में हैं और गोरिल्ला वॉर चल रही है और हमारा मेवाड़ भी त्रस्त है मुगलों के आतंक से, तो वो उनके पास गए और उन्होंने उस जमाने में, उन्होंने और उनके भाई ने 2000 अशर्फियाँ, स्वर्ण अशर्फियाँ और 25,000 रुपया नगद उनको महाराणा को दिया कि ये हम आपको भेंट करते हैं, आप इससे अपनी सेना का गठन करें और इन मुगलों से आप युद्ध करें अकबर से। तो महाराणा के लिए तो वो बहुत था, उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने 40,000 की सेना एक बताई और वो धन बनाई और वो धनराशि इतनी थी कि उससे वो करीब 25 वर्ष तक उस सेना का भरण पोषण कर सकें उस जमाने में। फिर उन्होंने वो सेना बनाकर और दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन सन 1582 में सबको, सेना के सहित ये कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि हम मेवाड़ को अब स्वतंत्र कराएंगे। और अकबर बादशाह को जब ये पता लगा
कि महाराणा ने मेवाड़ में सेना बनाकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 1,00,000 सेना लेकर और चित्तौड़ की तरफ उसने कूच किया। और वो वहाँ खुद तो नहीं आया, मगर उसने अपने बड़े योद्धा, एक तो सुल्तान खान जो उनका जनरल था जो 7 फुट लंबा और बहुत तगड़ा था, और दूसरा एक बहले खान, ये दो योद्धाओं के साथ अपनी फौज को उसने रवाना किया। और वो एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, उसका इतिहास में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है, हालांकि ये बड़ा एक भयंकर युद्ध था जिसमें कि इसको अकबर बादशाह को बड़ी भारी शिकस्त मिली है। और उस युद्ध में महाराज कुमार जो अमर सिंह थे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उन्होंने सुल्तान खान को उसको तलवार से काटा है घोड़े समेत, और इधर महाराणा प्रताप ने बहल खान को तलवार से काटते हुए और घोड़े को काटते हुए, और दोनों का वहाँ जब नरसंहार हुआ है, तो उस युद्ध में 8,000 सैनिक तो हमारे राजपूत शहीद हुए और करीब 36,000 सैनिक मुगल शहीद हुए, 46,000, और 36,000 मुगल सेना ने आत्मसमर्पण किया। जब ये अकबर बादशाह को पता लगा कि हमारे दोनों जनरल सिर से घोड़े समेत काट दिए गए, तो वो भयभीत हुआ, उसकी इतनी ऊंचाई नहीं थी, उसने सोचा कि अगर मैं चला गया तो मुझको बिना मारे ये नहीं छोड़ेंगे, तो अपनी सेना को लेकर वहाँ से भाग गया, और उसके बाद कभी वो चित्तौड़ नहीं आया। ये एक बड़ा निर्णायक युद्ध था, और महाराणा ने वहाँ पर उस युद्ध में पूरे मेवाड़ में विजय प्राप्त की, और उन्होंने सारे मेवाड़ के लोगों ने हर्षोल्लास वहाँ मनाया। तो ये एक बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ। राजा साहब, एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हुई है। आज जैसे कोरोना काल है, मुगल काल की आपने बात बताई, कोरोना काल में देखा जा रहा है कि तमाम तरह के यहाँ पे ऐसे वाक्या सामने आए जिसमें बताया गया कि यहाँ तबलीगी जमात के लोग आए जिन्होंने हमारे देश के चैन अमन को छीन लिया, कोरोना वायरस को बढ़ाने में उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। तो क्या माना जाए कि वो इतिहास जो मुगल काल एक बार पहले था वही इतिहास दोहराया जा रहा है? क्या कुछ कर रही है आपकी आपकी जो सेना है, आपका जो संगठन है, इस सब को लेकर के? संगठन बिल्कुल तैयार है, हमारा युवा तैयार है, हमारी जो युवा महिलाएं हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और वो भी तलवार चलाना जानती हैं, और युवक भी बिल्कुल तैयार है, हमारा किसी बात की कमी नहीं है। अगर तबलीगी जमात हिंदुस्तान में इस तरह की तबाही करेगी तो ये जो हल्दी घाटी और ये जो दो युद्ध हुए हैं, दिवेर का युद्ध जिसमें कि चित्तौड़ को जीता गया है, उसी जोशो खरीज से उसी तरह क्षत्रिय जगेगा और क्षत्रिय समाज के साथ और भी समाज खड़ा होगा देश की रक्षा के लिए, और इनको शिकस्त दी जाएगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। और कोरोना के इस काल में जितना भी क्षत्रिय समाज है, वैश्य समाज है, जिसने इस देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं हर कौम ने, वो सब लगे हुए हैं। क्षत्रिय समाज भी लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं कि गरीब जो आ रहे हैं, जो बेचारे मजदूर आ रहे हैं भूखे प्यासे, उनको जगह जगह भोजन दिया जा रहा है, हर जिले में क्षत्रिय समाज ये कार्य कर रहा है कि उनको भोजन खिलाना, उनकी सेवा करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको सुरक्षित पहुंचाना, महिलाओं को सुरक्षित रखना, ये कार्य क्षत्रिय समाज का चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने युवक क्षत्रिय और क्षत्राणियों को यह आह्वान करता हूँ कि वो तैयार रहें, अगर स्थिति इस तरह की आती है कि अगर भगवान न करे कि हमको तबलीगी जमात जैसे लोगों से लड़ना भी पड़े, तो उसके लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और उसी हौसले के साथ उनको हम परास्त करेंगे। आज कोरोना वायरस के दौर में जगह जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, हर बार आप लोगों के द्वारा एक मतलब जुलूस निकाला जाता था, जगह जगह पे ढोल नगाड़े ताशे बजाए जाते थे, लेकिन इस बार किस अंदाज में आपने जयंती मनाई? इस बार जयंती सीमित साधनों में मनाई गई है, जैसा कि हमारे शासन के भी आदेश हैं, जैसे हम अभी महाराणा प्रताप के अपनी जो मूर्ति मैंने एमपी था जब लगवाई थी, वहाँ हम गए थे तो 10-5 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, नहीं तो सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचते। हर ज़िले में यही कहा गया है कि उसको सूख रूह से मराएं और घर में केसरिया झंडा फहराएं और दीपक जलाकर
महाराणा प्रताप को अपनी श्रद्धांजलि लेते हैं, उनके जन्मदिन पर अपना अपने परिवार का अपने बच्चों का उत्साह वर्धन करें। महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनको पूर्ण रूप से उनके शपथ लें कि हम देश के प्रति जिस तरह उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए सब समर्पित कर दिया, उसी तरह क्षत्रिय समाज आगे आए और देश की सुरक्षा के लिए अपना समर्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह से सुना, हमारे साथ मौजूद रहे राजा मानवेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से मुगल काल में मुगलों को खदेड़ने का पूरा सहयोग रहा क्षत्रिय समाज का, आज भी पूरे भारतवासियों के साथ क्षत्रिय समाज खड़ा है और निश्चित तौर पे तबलीगी जमात जैसे लोग यदि देश में कुछ भी खुरापात करेंगे तो निश्चित तौर पे क्षत्रिय समाज ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं, बल्कि युवा और छत्राणियाँ भी उनके साथ रहेंगी, ऐसा कहना है राजा मानवेंद्र सिंह का, जिन्होंने पूरी तरह से कमर कस रखी है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जगह जगह अपने अनुयायियों को ये निर्देश दिए कि अपने घरों पर दीप प्रज्वलन करें, माल्यार्पण करें और केसरिया भगवा झंडा फहराकर महाराणा प्रताप जयंती को अपने घरों में रहकर मनाएं और सुरक्षित रहें। इस तरह से उन्होंने संदेश दिया अपने सभी अनुयायियों को और साफ तौर पर कहा कि कोरोना जैसे वायरस को जड़ से ख़त्म करना है। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।